जब लॉयन और एनाकोंडा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, फिर जो हुआ वो नजारा कुछ देखने वाला था। जैसे ही लॉयन एनाकोंडा पर अटैक करने की कोशिश करता है, एनाकोंडा शेर के मुंह को दबोच लेता है और बाकी का नजारा आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे शेर का आज काम तमाम हो जाएगा, लेकिन फिर लॉयन के बाकी साथी आकर उसको बचा लेते हैं।